सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं SBI। जी हाँ दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। करंट ओपनिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, SBI.COV.IN वेब करियर्स करंट पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि SBI की तरफ से जो है कि क्लर्क पोस्ट पे जो है कि फार्मेस्टिक क्लर्क पोस्ट पे जो है कि वैकेंसियाँ निकाली गई। तो आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वालों कि ये फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब कोई भी फॉर्म रिलीज होता है या फिर आप जब कोई भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस फॉर्म में जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनाई गई है एंड हम इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए फाइनली मैं पहले आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूं, तो मैं इस वेबसाइट पे आता हूं। ये मेरी वेबसाइट है, तो फाइनली इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 13/4/2021, आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 3/5/2021 है। एंड इसका जो एग्जाम होगा वो 23/5/2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर संसद पोस्ट पर जो कि वैकेंसियाँ निकाली गई है ओनली फार्मेसिस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए फार्मेसिस्ट कलर पर। और यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको जो है डिप्लोमा फार्मेसिस्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जो है डिप्लोमा फार्मेसिस्ट पास आउट है तो आप ये फाइनली, यदि आप उसकी डिग्री है तो ये फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो ये जो है फार्मेसिस्ट कलर की जो वैकेंसी है वो कई स्टेट में निकाली गई। तो यहाँ पर स्टेट वाइज आप लोग देख सकते हैं, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ जितनी जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली गई आप लोग देख लें कि गुजरात में 2 निकाली गई, कर्नाटका में 7 एंड टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 67 वैकेंसियाँ निकाली गई है, ठीक है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, तो इसमें जो जनरल OBC एंड EWS की जो फीस होगी वो 750 रुपये। एंड यदि आपकी जो कैटेगरी है वो SC ST या फीमेल आते हैं तो आपको जो है कि कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और ये पेमेंट आप जो कि किसी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई चलान, नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कहें कि इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके फाइनली जो इसकी PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसका PDF फाइल यहाँ पर ओपन किया हूँ, तो आप लोग इसका जो है कि PDF फाइल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी सारी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें एंड इसको बस जो है कि ज़रूर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ें, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने जो कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर में दिख रहा है, तो फाइनली इस पर क्लिक करें। उसके बाद जो है कि बेल आइकन पर क्लिक करें एंड ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए अब हम फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको जो है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप SBI.CO.IN पर आके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और यहाँ पर इस कवर करता हुआ जा रहा है, तो फाइनली आप यहाँ पर भी उस फॉर्म को क्लिक कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं इस कलर करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई है, तो हमें जो है कि फार्मासिस्ट कलर की जो निकाली गई वो फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप नीचे आएँ, उसका देखें जो वैकेंसी निकाली गई वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देखें रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मेसिस्ट ऑफ कलर को कार्ड, ठीक है। तो ये देखें अप्लाई ऑनलाइन 13/4/2021 एंड 3/5/2021 आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्लोज डेट जो है 3/5/2021। और यहाँ पर देखें ये कोड दिया जाता है CRPD एंड फार्मेसिस्ट 2021-22-04, ठीक है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, आपको ध्यान देना है कि फार्मेसिस्ट पर ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो फाइनली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो फाइनली एक जो है कि नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है कि अप्लाई ऑनलाइन का जो है कि ऑप्शन ओपन हुआ। तो फाइनली जो अप्लाई ऑनलाइन की बटन है, फाइनली आपको इस पर क्लिक करना होगा यदि आप जो है कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। यहाँ पर देखें फॉर्म स्टार्टेड डेट इतनी है, लास्ट डेट इतनी है एंड पेमेंट डेट सारी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उसके बाद देखें आपको क्या करना है, यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई करना वो सारी चीज़ें बताई गई है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा एंड पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं और अभी भी आपने जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर देखें क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, तो फाइनली जो है कि मैं क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे जो है कि मेरा फुल नाम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 चीज़ें जो है कि कंप्लीट करनी है, मतलब 6 पे जो आती पेमेंट, आप पेमेंट करके जो है कि सारी चीज़ें अपलोड कर
सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है कि मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है कि प्रिंट आउट जहाँ तक निकलता है मतलब पेमेंट के बाद वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम आपको अपना यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको अपना फर्स्ट नेम ही लिखना है। तो फाइल में यहाँ पर टेक्निकल लिख देता हूँ, तो फर्स्ट नेम में भी आपको वही लिखना है। उसके बाद देखिए मिडिल नेम में, यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो एंटर करें, यदि नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर लास्ट नेम, तो यहाँ पर लास्ट नेम माजिद लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कंफर्म भी में भी वही लिख देता हूँ, मतलब यहाँ देखिए लास्ट नेम उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम, मतलब जो आप इसमें लिखे हैं लास्ट नेम में वही आपको फिर रिपीट करना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फुल नेम पूरा शो कर दिया टेक्निकल माजिद, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर आपको देखिए मोबाइल नंबर कंपलसरी इंटर करना है। फाइनली जो है कि मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, फिर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर वही इंटर करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ इंटर कर दी, ये आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लैंडलाइन नंबर ये आपको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपको अपना डोमेन यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ऐट द रेट के बाद जितने भी ईमेल है ऐट द रेट के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि gmail.com, hot.com, hotemail.com, .in, ठीक है, live.com, ठीक है, yahoo.com, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फाइनली मैं जो कि gmail.com में रहा, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान देना है कि ऐट द रेट के बाद पूरा मतलब ईमेल आपको इसमें नहीं फिल करना, ठीक है। तो उसके बाद देखें फिर वही ईमेल आईडी मुझे मांगी जा रही, तो फाइनली मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है उसको मैं इंटर करता हूँ। मैंने इंटर किया, उसके बाद आपको एक बार रिव्यू कर लेना है कि आपने सारी चीज़ जो है कि फिल की है, ठीक है। मैंने फिल किया, उसके बाद फाइनली मैं सेव एंड नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे एक पॉप बॉक्स आएगा जिसमें कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, फाइनली मैं ओके ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फाइनली हो चुका है। अब हमें क्या करना है जो है कि हमें यहाँ पर आप लोग देखें, पहले मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है एंड पासवर्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपके ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यदि आप कभी भी जो कि लॉग आउट हो जाते हैं तो फाइनली आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं फाइनली आ चुका हूँ दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आपको अपनी जो है कि फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देखिए फोटो पहले मांगा जा रहा है, तो फोटो पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो है कि फोटोज़ को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी फ़ोटो आ चुकी है। तो उसके बाद आपको ऐसे सिग्नेचर आपको अपनी अपलोड कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर दी, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। यदि जो है कि सिग्नेचर सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पर जो है कि मेरी सिग्नेचर फोटो के नीचे आ जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फाइनली नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करके आगे वाला स्टेप फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखें मेरा जो फोटो एंड सिग्नेचर जो आ चुकी है, तो आपको बताता चल जिसका मैंने बताया नहीं है, इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 4.5 cm × 3.5 cm के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इसकी साइज, यदि आप इसको गाइड करना चाहते हैं तो गाइड कर पर क्लिक करके आप इसकी और सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फाइनली मैं जो है कि नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं, जो आगे का प्रोसेस है वो फिल करता हूं। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर अब आ चुका हूं डिटेल में। तो अब मुझे यहां पर अपनी डिटेल फिल करनी है, तो यहां पर इस पर क्लिक करें सेलेक्ट वाले पर। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो वो आप मतलब किस, जैसे कि मैंने बताया था कि इन शहर में जो कि वैकेंसियाँ निकली है, तो आप लोग पहले उसको देख लें कि ज़्यादा जो है कि किस में निकली है। तो फाइनली वो आपको सेलेक्ट करना है। फाइनली मैं यहाँ से जो है कि लखनऊ एंड दिल्ली दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको फिर दूसरा वाला सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से रहने वाले वो सेलेक्ट कर लें। फाइनली मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद आपको जो है कि यहां पर कैटेगरी पूछी जा रही वो आप सेलेक्ट कर लें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आते हैं वो आप फाइनली यहां पर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक। एवब, यदि आप एवब हैं या इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप आते हैं तो आप ज़रूर इस पर क्लिक करें एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। तो यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन नहीं फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आता हूँ मैं नीचे और यहाँ पर देखिए मुझे रिलेशन पूछा जा रहा, तो फाइनली आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपना रिलेशन चॉइस कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको मैंडेटरी मतलब कि आप मुस्लिम हो मैंडेटरी हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट सिटीज़न पहले से ही, आर यू एक्स सर्विस मैन, यदि आप एक्स सर्विस मैन यस, अन्यथा नो पर क्लिक करें। एंड उसके बाद देखें आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन, तो नो पर मैं फिल फाइनली सेलेक्ट यहाँ पर करता हूँ। एंड उसके बाद देखें तो उसके बाद देखें यहाँ पर आर यू डिपेंडिंग आर सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, तो यहाँ पर फाइनली मैं नो पर क्लिक करता हूँ। तो फाइनली मैं इस पर नो पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर देखें सेंटर एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, तो आपको सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें।
फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि पर्सनल डिटेल में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ और यहाँ पर जो है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। मैंने फिल किया, यहाँ पर मेरी जो है आयु यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल या फिर अदर्स पर क्लिक करें, ठीक। उसके बाद क्या आप जो कि ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर जैसे कि जुड़वा जो पैदा होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। फाइनली यदि आप जुड़वा पैदा हुए तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें, ठीक है। तो उसके बाद नेम ऑफ ट्विन, ये यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दोनों फिल करनी पड़ेगी। एंड देखिए आपको स्टेटस यहाँ पर फिल करना है कि मैरिड अनमैरिड है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फाइनली मैं अनमैरिड पर क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर आ चुका है कि आपके फादर नेम क्या है, ठीक है। तो फादर नेम आप यहाँ पर इंटर करें, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट नेम ओनली इंटर करना है। यदि आपका मिडिल नेम आपके पिताजी में कोई नाम है तो आप यहाँ पर इंटर करें। एंड यदि आपका जो है कि नहीं है तो कोई नहीं, आपको यहाँ पर देखें फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है। एंड उसके बाद देखें मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल, और यदि आपका लास्ट नेम है तो वो अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लास्ट में इंटर करें। तो मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद आपकी माताजी का नाम पूछा जा रहा है, वो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम इंटर करें। उसके बाद लास्ट में तो लास्ट में, यदि मिडिल में तो मिडिल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके आऊँ तो यहाँ पर देखें आपको एड्रेस अब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिए। ये दोस्तों ये जो है कि कंपलसरी नहीं है तो मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो एड्रेस है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली एड्रेस को फिल कर दिया है। तो आप लोग ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन वन में एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लाइन टू में, एंड डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी, उसके बाद किस स्टेट से रहने वाले वो, उसके बाद जो है कि पिन कोड। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे सेम एज का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आपका जो है कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी यही सेम है तो आप फाइनली सेम एज पर क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर चॉइस एज एड्रेस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें परमानेंट एड्रेस पर मैं क्लिक करता हूँ, मतलब ये जो है कि सेम दोनों एड्रेस मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरी अमाउंट शो हो रही है कि आपको इतनी अमाउंट जो है कि पे करनी है, ठीक है। यदि आप जो है कि जनरल से आते हैं तो जैसे कि पहले भी पेमेंट आपको पता है कि आपको 750 रुपये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप SC ST सेलेक्ट करते हैं SC ST, तो आपको वहाँ पर SC ST की जो कि वो कहते हैं सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं SC ST, ठीक, तो आपको जो है कि उसकी जो पेमेंट ज़रूर पे करनी पड़ेगी, बट आपको जो है कि सर्टिफिकेट नंबर ये जो होता है सबका कास्ट वो यहाँ पर इंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हो चुकी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आप लोगों को। एंड फाइनली यहाँ पर देखें सेव एंड नेक्स्ट की बटन मिलेगी, तो मैं फाइनली इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें फाइनली ये पेज भी मेरा कंप्लीट हो चुका, मतलब डिटेल भी यहाँ पर फाइनली मेरी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे जो है कि अपनी एजुकेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन फिल करें, मतलब कि आपको पहले में हाई स्कूल की यहाँ पर जैसे कि SSC, तो मतलब कि आपको हाई स्कूल की यहाँ पर जो है कि मतलब कि बोर्ड का नेम, हाई स्कूल किड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। सो फाइनली मैं वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए आप किस ईयर में जो कि पासिंग हुए तो वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। पासिंग ईयर आपको का पासिंग ईयर कौन सा था वो आप फाइनली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको कितने परसेंटेज मिले थे वो आपको यहाँ पर, उसके बाद आपका डिवीज़न कौन सा था वो, तो ऐसे ही आपको जो है कि डिप्लोमा फार्मेसी का भी सिलेक्ट करना, मतलब D Pharma, ठीक। आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया ओनली फार्मेसी ही अप्लाई कर सकती है। तो आप किस बोर्ड से पढ़े थे वो, उसके बाद आप पर ने जो किस ईयर में पासिंग की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कितना परसेंटेज फाइनल ईयर में मिला था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिवीज़न यहाँ पर फाइनली दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर आप लोगों से कुछ सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डू यू हैव मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज फार्मास्यूटिक एज कंपाउंडर। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 ईयर का कंपाउंडर का है तो आप फाइनली यस पर क्लिक करें। तो ऐसे ही आपको सारे जो है कि क्वेश्चन पढ़ने एंड उसका जो है कि यहाँ पर जो है कि जवाब देने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर सिलेक्ट, उसके बाद आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यहाँ पर एक्सपीरियंस में देना पड़ेगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर जो है कि नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजाइनेशन नेम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनली यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा कि आप कब से कब किए, तो वो फाइनली आपको सिलेक्ट करना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड फाइनली यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको जो है कि फिल कर देना है।
फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस की पूरी जानकारी आपको ऐसे ही फिल करनी, मतलब आप कब से कहाँ पर एक्सपीरियंस किए थे, किस सन में एंड कब लास्ट यहाँ पर क्लोज़ किए थे वो, एंड यहाँ पर आपको रीज़न देना है किस रीज़न से। एंड जब आप ये दोनों डेट यहाँ पर फिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट यहाँ पर बता दी जाएगी आपका इतने महीने का जो है कि एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको एक लैंग्वेज आनी कंपलसरी, रीड राइट एंड स्पीकिंग। एंड यदि आपको इंग्लिश आती है या फिर उर्दू आती है, जो भी लैंग्वेज आती है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं फिर आपको दिखाना चाहूँ एक बार आप इसको सारी चीज़ें पहले रिव्यू कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कंपलसरी है फार्मेसी, आप यदि ग्रेजुएशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप इसको बाद में फिल कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं पर ये कंपलसरी है फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। जब आप फार्मेसी करेंगे तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने ऐसे ही सारी चीज़ जो कि फिल कर दी है। पहले मैं आपको बताया यहाँ पर रीज़न आपको देना पड़ेगा आपने क्यों नहीं किया, अभी किस वजह से आपने छोड़ी दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ओके हो चुकी, यदि इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिविंग का रीज़न नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरने का तरीका क्या, ठीक है। फाइनली एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें शायद कोई एरर ना हो, तो यहाँ पर देखिए अब कोई एरर नहीं, मैं फाइनली जो है कि नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख लें सारी चीज़ें आपने जो जो फिल की थी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो फाइनली मैं आई एग्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऊपर पहले मैं ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पर फोटो पे आई कंफर्म पर क्लिक करना ज़रूरी है आपको। उसके बाद आप नीचे, उसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद देखें ये सिग्नेचर के पकड़ में भी एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसके भी आई कंफर्म पर क्लिक करना है एंड फाइनली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि कंफर्मेशन के लिए फाइनली ओके, आर यू श्योर कंटिन्यू ओके, तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा फॉर्म वो फाइनली कम्प्लीट हो चुका। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फो की अपलोड यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कि आप PDF, ID प्रूफ PDF एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ PDF, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रूफ PDF, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रूफ PDF, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो जो PDF आप यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। PDF फाइल में अपलोड करने के बाद फाइनली ये सिक्योरिटी पिन इंटर करना पड़ेगा, इंटर करने के बाद आपको जो कि सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे फाइनली आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्म को भरने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फाइनली आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट का जो सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ही ओपन होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ये जो बेल आइकन दिख रहा है इस पर आप पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। दोस्तों चलिए वीडियोज़ को यहीं पर एंड करते हैं और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।